नमस्कार दोस्तों, मेरे पास है एक अमेजन से बाई किया हुआ कॉलर माइक। जी हाँ, तो यहाँ पर इस कॉलर माइक का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। हालांकि ये पैकेट आप देखें तो ये ओपन है। इसकी मैंने कल ही अनबॉक्सिंग का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी, जब मैंने इस माइक की टेस्टिंग की तो ये टेस्टिंग करने में मेरे मोबाइल में जब मैंने इसको प्लग इन किया तो वहाँ पर एक बजरिंग जैसी वहाँ पर वॉल्यूम आ रहा था। तो वो वॉल्यूम जो था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था मुझे, तो मैंने इसकी थोड़ी सेटिंग की। वैसे तो मैं इसे हालांकि रिटर्न करने वाला था, तो यदि आपकी ये प्रॉब्लम है, यदि आपने कॉलर माइक बाई किया है तो वहाँ पर ये बजरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, एक कर 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 की आवाज़ आ रही है वहाँ पर, तो उसको भी आपको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, तो ये भी आप इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ना ही आपको कहीं रिपेयरिंग करनी होती है। आपको सिंपल सा एक मेथड होता है, उसको बस आपको कर देना है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो इस प्रोडक्ट की बाई का जो प्राइस है, तो ये प्राइस मुझे 199 का पड़ा है। ये मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूँ। वैसे तो मेरे पास इतना हाई क्वालिटी कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर यदि आप देखें तो 199 का मुझे पड़ा हुआ है, तो 199 में मुझे कॉलर माइक मिला है। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। अनबॉक्सिंग वैसे तो मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। तो ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से पैक आया था, दोनों तरफ इस पे रैपर लगे हैं। इधर भी आप देखिए रैपर लगा हुआ है, और इधर भी आप देखिए तो इधर भी आप रैपर लगा हुआ है। तो इसमें मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद इसमें आप देखिए तो एक ये पाउच निकलेगा, और उसके बाद ये पूरा पैकेट यहाँ पर खाली है। तो इस पैकेट को हम साइड में रखते हैं, और ये हमारा पाउच है जिसमें एक कॉलर माइक है। आप देखिएगा तो कोई विशेष ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह नहीं इसकी की गई है, फिर भी प्रोडक्ट अच्छा निकले बस इतना होता है, पैकिंग से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम इस पैकेट को खोलते हैं, और पैकेट खोलने के बाद इस कॉलर माइक को हम निकालते हैं। उसके बाद ये पाउच जो है इसको मैंने अलग रख दिया है, तो ये मैं अलग रख देता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो वायर है इसकी लंबाई की, तो वायर जो है ये रही वायर। तो इस वायर की यदि हम बात करें, इसको मैंने फोल्ड किया है और फिर से एक बार फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये चार लेयर में यहाँ पर आ चुका है, फोर लेयर में। अब फोर लेयर में लगभग एक फिट की लंबाई है, तो कहने मतलब है 4x1x4 यानी कि 4 फिट लगभग इसकी लंबाई है, जो कि काफ़ी सही है। आप यहाँ से देखें, मैं कॉलर से और यहाँ तक लेकर के आता हूँ तो माइक तक आराम से आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 4 पिन लगाई हुई हैं। आप देखिएगा तो यहाँ पर 4 पिन लगाई हुई हैं। बात करें यहाँ पर, तो एक एक क्लिप मिल जाता है हमें कॉलर में होल्ड करने के लिए। वैसे तो अभी तक मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ, आप देखें तो यहाँ पर आपको ये वायर मिल जाएगा। आप देखिए तो हमारे पास जो ईयरफोन है उसी से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चिमटी मिल जाएगी इस तरह से, ये क्लिप, इससे आप फोल्ड कर सकते हैं अपने कॉलर में इसको। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको एक फॉर्म लगा करके ऊपर से दिया जाता है। ये रहा फॉर्म, ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए लगा के दिया जाता है। बात करें आगे हम इसकी क्वालिटी की या माइक की, तो ये टेस्टिंग भी अभी मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। अभी आपको थोड़ा आगे मैं वॉल्यूम सुनाऊंगा यहाँ पर। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने कल रिकॉर्ड किया था वीडियो, उस वीडियो में भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो वीडियो प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए तो मैं इस कॉलर माइक के आगे ही बोल रहा हूँ, तो इसमें आपको मेरी वॉल्यूम सुनाई पड़ रही होगी। तो हो सकता है कोई दिक्कत इसमें आ रही हो, लेकिन जैसे मैं इसकी सही से टेस्टिंग कर लूँगा तो अगले वीडियो में आप, तो आवाज़ को आपने सुना। अब यहाँ पर आपको विशेष ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है। आप यहाँ पर देखिए तो ये जो कॉलर माइक है, इस माइक में यहाँ पर मैं आपको शो कर दूँ, एक ये प्लग जैसा लगा होता है, इसको इस तरह से आपको पकड़ना है और इसको दबा देना है। दबाएंगे तो यहाँ से हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद ये आसानी से इसमें से निकल जाएगा। इसको निकल करके आपको इसे छोड़ देना है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो ऊपर का इसका कैप है, इस कैप को आपको खोल लेना है यहाँ से। यदि आसानी से ही खोलेगा, ज़्यादा आपको ताकत वगैरह नहीं लगाना है। यदि इस तरह से नहीं खुला तो प्लास वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि इसको खोल दिया है और खोल दिया, और इस तरह से आप देखिएगा तो ये मेरे पास इसके ऊपर का कैप जो है वो मैंने खोल दिया है, ये देखिए। अब इस कैप में भी एक तरह से यदि आप देखें तो यहाँ पर वॉइस जो नॉइस कैंसिलेशन होता है उसके लिए हल्का से यहाँ पर एक फॉर्म या जाली टाइप की दी जाती है, तो इसको मैं अलग रख देता हूँ। अब यहाँ पर आगे हम बात करें तो इसके अंदर आप देखिए तो ये माइक रखा हुआ है। अभी इस माइक को आपको किसी तरह से ऐसे करके इसको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, हालांकि हमारे पास चिमटी नहीं है, फिर भी ये माइक मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये माइक मैंने इस तरह से निकाल लिया है, नीचे से इसको थोड़ा इस तरह से आप इसको कैप को छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ये जो वायर है, ये वायर बिल्कुल एक में लिपटी हुई है। तो यही प्रॉब्लम इसमें थी कि ये वायर एक में लिपटी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा था। यदि शॉर्ट सर्किट यहाँ पे नहीं होगा तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूँ, और इस तरह से आप देखिए तो ये दोनों वायर अब बिल्कुल
अलग हो चुके हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। इन दोनों को आपको बिल्कुल अलग कर देना है, और अलग करने के बाद आपको इसकी टेस्टिंग करनी है। तो चलिए, मैं यहाँ पर इस माइक को यहाँ पर यूज करता हूँ। अब आप देखिए, तो आपको हमारा वॉल्यूम यहाँ पर सुनाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रहा होगा। हो सकता है कि थोड़ा नॉइस हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म वगैरह इस पर नहीं लगा है। अब यहाँ पर यदि हम जो मैंने वजरिंग की बात की थी आप लोगों से, वो यदि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर शो करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इसको फिर से राउंड करता हूँ। राउंड करने से ये हो जाएगा कि इसका वायर जो है वो जैसा हमें मिला था कंपनी की तरफ से, उसी तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये राउंड इसका कर दिया है। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एक बजरिंग टाइप की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। वो इसलिए सुनाई पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर इनका जो दोनों वायर हैं, ये एक में टच हो चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब इसको हम फिर से सही से कर देते हैं, और सही करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम शो नहीं होगी, ना फेस होगी, आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस आपकी रिकॉर्डिंग होगी। और ये चीज़ें आप अपने मोबाइल के किसी भी रिकॉर्डर में देख सकते हैं, जो वहाँ पर लाइनिंग मीटर होता है उसमें आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, जो बीपिंग होती है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसको बंद करने के लिए हम फिर से यही मेथड अपनाते हैं, और इस तरह से इसको बंद करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो माइक है, ये माइक घूमना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसको हम अंदर ले जा करके इस तरह से बंद कर देते हैं, इस तरह से। और बंद करने के बाद इसके ऊपर जो कैप लगा हुआ था, इसी कैप को हम फिर से इसमें फिट कर देते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर कैप को, ये मैंने कैप को यहाँ पर फिट कर दिया है। कैप को फिट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा क्लिप है, इस क्लिप को हम फिर से यहाँ पर लाते हैं, और इस तरह से इस क्लिप को हम इस पर फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इस फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो चलिए, इस माइक को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, इसको हम रख देते हैं। अब आगे के जो भी वीडियो आपको मिलेंगे, वो इसी माइक के थ्रू मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे ये प्रोडक्ट जो है 199 का प्रोडक्ट है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इससे आप आसानी से कॉलर पे क्लिप करके आसानी से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो मैं अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, वीवो का मेरा एयरफोन है, तो इसी एयरफोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हालांकि तरीका ये भी सही लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये हो जाता है कि इसके लिए मुझे अलग एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग के लिए। आप देखें तो इस मोबाइल में मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सामने वाले मोबाइल से मैं कैमरा चला रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग का वीडियो किस तरह का लगा है। प्रोडक्ट ये 199 का है, और इसमें कोई आपको शिपिंग चार्ज भी नहीं देना है, बिल्कुल शिपिंग चार्ज आपको जीरो है, 199 का ही पड़ा है। रिप्लेसमेंट भी है, वारंटी भी है, तो आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अमेजन पे जाइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप इसको बाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग का वीडियो ज़बरदस्त लगा होगा। वीडियो के नीचे आप देखें लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पड़ोस में आप देखेंगे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पड़ोस में आपको घंटे का आइकन दिखेगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियोज जो भी मैं अपलोड करूँ, जनसेवा केंद्र, CSC, मोबाइल, लैपटॉप आदि की सेटिंग, साथ ही साथ पंचायत में होने वाले कार्य की जो जानकारी है, वो भी इस तरह के भी वीडियोज में अपलोड करता रहता हूँ। तो ये सभी वीडियो यदि आप हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, और जो मैंने तरीका बताया सब्सक्राइब करने का, उस तरीके से आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप पाते रहेंगे। फिलहाल हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।